रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी से ही पाकिस्तान अलग हो रहा है, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान को मंजूर नहीं है? खबरें भी चल रही हैं, कुछ स्पेकुलेशंस भी हैं, और फिलहाल काफी हार्ड स्टैंस की तवक्को है पाकिस्तान की तरफ से, और जो लोगों का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान की जमीन में खेलना ना, ये हर किसी का काम नहीं है। पाकिस्तान की जमीन में खेलना ये जिंदा शेरों का काम है। ये विराट कोहली क्या है, वो कहता है हमारी इंडिया के पीछे हम जहां भी जाएंगे खेलेंगे जीतेंगे, फिर आओ करो मुकाबला, हाथों में हाथ डालो खेलो, देखेंगे ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा। विराट कोहली खेल हमारे हमारे बॉलरों का सामना कर, तू कहता ना मैं आउट नहीं होऊंगा, मैं कहता हूँ तुम्हारे पाकिस्तान पिच में तू 50 रन से ज्यादा नहीं बना सकता। उनके में इतना दम ही नहीं है, वो डरते हैं। ठीक है, जा रहे हैं भी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान और इंडिया पे टिकी हुई हैं। इंडिया कह रहा है जी पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे, हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। अब तो न्यूज ये भी सामने आ रही है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका में होगी। पाकिस्तान अपने मैचेस भी साउथ अफ्रीका में खेलेगा और इंडिया भी अपने मैचेस साउथ अफ्रीका में खेलेगा। पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, इनके रिएक्शन लेंगे आज की वीडियो पे। मैम, इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना चाह रहा, रीजन क्या लग रहा है आपको? इंडिया को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप आए क्रिकेट खेलने आए, अब यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये प्यार मोहब्बत है। क्रिकेट के थ्रू जो है ना हम एक दूसरे को चाहते भी है, मोहब्बत भी करते हैं, तो क्रिकेट के लिए आप जरूर आए, क्रिकेट के लिए आए। सर, हाइब्रिड मॉडल की जो डिमांड है, ये 2023 में पाकिस्तान ने मिस्टेक की। पहली दफा अगर एशिया कप हम पाकिस्तान में ही खेलते तब बॉयकॉट करते तो ये नौबत ना आती। पाकिस्तान ने खुद ही गड़ा खोदा है, खुद ही उसमें फंसे हैं। बिल्कुल, जैसे लास्ट टाइम अभी हम लोगों ने जो गलती की वो सबसे पहला गलती यही था कि हम 2023 में वर्ल्ड कप इंडिया, क्योंकि ये अगर नहीं, ये तो कंफर्म था कि भारत ने इनकार ही करना है, चाहे वो 2 महीने लेता या 6 महीने लेता। क्यों, सारी दुनिया के गेम्स एक तरफ पाक भारत टाकर एक तरफ नहीं होगा तो डेफिनेटली नुकसान तो है, क्रिकेट को नुकसान है, पैसा और आम। अगर पाकिस्तान इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने गया, उनका हक बनता है कि पाकिस्तान में आना चाहिए, चैंपियन ट्रॉफी खेलनी चाहिए। अगर ये है कि पीसीबी ने बोला है कि अगर इंडिया नहीं पाकिस्तान आएगा खेलने तो हम इंडिया के साथ किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट के मैच नहीं खेलेंगे, टोटली हम बायकॉट करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम यहाँ रहे, ठीक है, तो इंडिया हमारे ख्याल में इतना बड़ा टीम नहीं है कि वो इनकार कर रहे हैं इससे, ठीक है, इसके लिए इतनी हाइप बनी हुई है वो कहीं वो खत्म ही ना हो जाए एकदम से पाकिस्तान के हारने के बाद। और उसके बाद तो भारत एक ना स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है आईसीसी के अंदर, उसकी बात को रद्द नहीं किया जा सकता। आईसीसी का हक है कि इंडिया को फोर्स करे कि आप पाकिस्तान में जाएं, अगर उधर कोई लीग हो रही है आपका फर्ज बनता है, अगर वो आपके मुल्क में खेलने आते हैं आपको भी खेलना चाहिए, ठीक है। लेकिन भाई फुटबॉल तो खेली जाएगी ना, यहाँ से भी जाएगी वहां से भी आएगी। लेकिन मैं ये आपको जरूर बता दूं कि जो अब पिछले 4-5 दिन से चल रहा है, आई थिंक इंडिया में बैठ के हमें इस चीज का यकीन था, और शायद आप में से भी कई लोगों को होगा कि एंड में इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगा। दो बातें हैं यहाँ पर, बीसीसीआई भी कितना चाहता था और फाइनली इंडियन गवर्नमेंट का रिफ्यूजल, तो मुझे लगता है बीसीसीआई भी शुरू से रिलक्टेंट था ही और सरकार ने मना कर दिया। अब ऐसे सूरत में तो खैर इंडिया की टीम पाकिस्तान जा ही नहीं सकती। आई नो ये बहुत लेट है, मतलब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है और 100 दिन पहले ये सब बातें हो रही हैं। मेरा ये मानना था ये सारी चीजें आज से 2 या 3 महीने पहले हो जानी चाहिए थी। अब ना वो ये चैंपियंस ट्रॉफी अब किसी को लेके जाने देने की बात कर रहे हैं, ना वो ये कह रहे हैं कि हम हाइब्रिड मॉडल खेलेंगे। अब होगा क्या इस चैंपियंस ट्रॉफी का, जो शोबदेबाज हैं, जो रंगीले हैं, जो उमरो यार वाली हरकतें करते हैं, कोई कह रहा है साउथ अफ्रीका, कोई कह रहा है यूएई, कोई कह रहा है यूं जाएगा, कोई कह रहा है उधर जाएगा, चांद पे जाएगा या मार्स पे जाएगा, कहाँ जाएगा ये नहीं पता। ये भी हो सकता है कि आईसीसी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल कर दे, मगर ये भी कहा जा रहा है कि अगर आईसीसी ने ये चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल कर दी तो उसको बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस होंगे। अच्छा, लॉसेस की अगर बात की जाए हर तो किसी को होंगे, वो नीचे तक जाएंगे, हर एसोसिएट नेशन तक जाएंगे, बहुत सारे मुमालिक ऐसे हैं, 107 मुल्क चलते हैं आईसीसी के रेवेन्यू से, खर्चे भी चलते हैं उसके। तो बात ये है कि बहुत सारे छोटे मुमालिक ऐसे हैं भाई के जिनकी क्रिकेट ही खत्म हो जाएगी। अब चिट्ठी बीसीसीआई ने भी भेज दी, पीसीबी ने भी भेज दी और मुश्किल में पड़ा है आईसीसी। अब क्या करें, क्यों कि आईसीसी के जितने भी इवेंट हुए हैं आज तक हाइब्रिड मॉडल नहीं हुए, अब क्या करें। इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी कैसे हो, पाकिस्तान से बाहर लेके जाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी और पाकिस्तान ना खेले
तो पहली दफा ऐसा होगा कि चैंपियन ट्रॉफी की चैंपियन टीम और वो ना हो पार्टिसिपेट करें। तो बार्कले साहब जो हैं, ग्रेग बार्कले साहब जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है, बड़े परेशान हैं और उन्होंने अंदरूनी बात बता रहा हूं आपको, दोनों जगह बात करी है कि भाई अब मैं क्या करूं, मेरा तो आखिरी महीना है, उसके बाद तो जय शाह साहब आ जाएंगे। अपनी टीम से भी डिस्कस किया था, हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होगी और इन राइटिंग वो हमें देंगे, एक तो हमें काबिल कबूल भी वही होगा कि हमें वो इन राइटिंग दें अगर किसी को कोई इतराज़ है। दूसरे नंबर पर हमारे से आज के दिन तक इस वक्त तक कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक रही बात कि इंडियन मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, अगर इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है तो उसके साथ कोई तो लेटर होगा जो आईसीसी हमें देगा या इंडियन बोर्ड ने अपने कहीं पे लिखा होगा, तो अभी तक तो मेरे तक या पीसीबी तक ऐसा कोई लेटर नहीं पहुंचा है। हम आज भी चाहते हैं कि क्रिकेट सियासत से साफ हो, कोई भी खेल दुनिया में हो उसमें इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन फैसला भी करना है, क्या इंडिया के बगैर हो जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी या पाकिस्तान को आउट कर दें तो ब्रॉडकास्टर का क्या होगा, कहां से इतना पैसा आएगा, आईसीसी तो ठप हो जाएगी। जो अभी वर्ल्ड कप हुआ है T20 का, उसमें बड़ा लॉस हुआ है। तो इन दी एंड जो अभी तक कोई एक घंटा पहले की जो रिपोर्ट है वो हमने कहा आपके साथ शेयर करते हैं, होना ना होना ये तो अल्लाह ताला को पता है। लेकिन अब हम आपसे एक बात करते हैं जो हमने आज टीवी पे भी करी है, क्या इंडिया के बगैर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी, पाकिस्तान के बगैर क्या हो जाएगी, अब क्या करें, और हाइब्रिड मॉडल कभी हुआ नहीं है। तो अंकरीब एक दो दिन में आपको अच्छी न्यूज़ मिल जाएगी, जहां से मैं बोलता हूं ना ऐसे नहीं, ऐसे ताली बजाएं दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ से ताली बजेगी लेकिन अच्छी न्यूज़ मिलेगी। जो एक ईगो प्रॉब्लम हुई है ना, अभी से नहीं, ईगो प्रॉब्लम तो बहुत पहले से है, अब वो बैठेगी, ऐसे बैठेगी और बैठनी भी चाहिए जी। जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि क्रिकेट हो और इसमें किसी की इजारादारी ना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो इंडिया हो। खेलनी है तो बराबरी के जोर पे, वरना नहीं खेलनी तो फिर सारी उम्र के लिए नहीं खेलनी। अगर इस चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं होगा तो फिर कभी भी नहीं होगा, और ये चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने भी समझ ली, उन्हें भी ऊपर से सरकार ने हुक्म दिया है और बीसीसीआई को भी सरकार ने हुक्म दिया है। तो इस तरह की बातें होंगी तो फिर ये जा वो जा ये जा वो जा, लेकिन फ़ायदा नहीं है। अगर क्रिकेट को कंटिन्यू करना है, हमने तो अब मशवरा दिया है कि अगर हाइब्रिड मॉडल आपको भी दिया है, टीवी पे भी ये बोला है, तो फिर सही है, पाकिस्तान को कह लेता पूल में डाल दें, इंडिया को कह लेता पूल में डाल दें, लेकिन इससे ना आईसीसी खुश होगा ना ब्रॉडकास्टर खुश होंगे, क्योंकि पैसा पैसा कमाने का मौका होता है ना, यही मैच है जी। तो ये तो आप याद रखें, 80-90% हमारे पास कोई खबर वबर तो होती नहीं है, हम तो दिल और जज्बात पर बात करते हैं। 80-90% ये इवेंट होना जरूर है, बल्कि ये 98% कह देता हूं मैं कि ये इवेंट होगा जरूर। अब किस तरह से होगा ये तय करना है। अच्छा, लोग क्या कर रहे हैं कि लोगों को पता कुछ नहीं है, लेकिन भैया वो लगे पड़े हैं, कोई अपनी बात कर रहा है कोई, वो बेसिकली पब्लिक के दोनों तरफ से जज्बात जो है ना वो उभार रहे हैं और उन जज्बात को कैश करा रहे हैं। कल को अगर आप सारी चीजें मान बैठे तो होगा क्या। हमने आप लोगों से कल वादा किया था कि वादा क्या किया था, कहा था कि यार हम आज बात करेंगे और आपके वैलिड सोल्यूशंस लेंगे, जो लोग हमें वैलिड सोल्यूशंस देंगे हम उस पर बात करेंगे। तो अब आप लोग जो है वो हमें वैलिड सोल्यूशंस दें,
और कोशिश कीजिएगा यहाँ से वहां से या पूरी दुनिया से आप कहीं भी हो, आज इरादा हो नहीं रहा था मेरा कि यार आज शो करें तबीयत की नासाजी की वजह से, लेकिन फिर सोचा ये कि आप लोगों से बात करनी थी और आप लोगों से हमने कहा था कि हम लोग आपकी बात लेंगे, तो माशाल्लाह आप सब समझदार हैं। क्रिकेट रिलेटेड सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं जिससे आवाम को क्रिकेट देखने को मिले, अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, वो वाली बातें आप लोग बताएं, हम शामिल करते हैं आपके जज्बात आपकी राय। हाँ, तुझे दौरा जी का डंडा दे दूंगा तेरे में, ठीक है, गोला गंडा नहीं, गोला खुद खा लूंगा और डंडा तेरे डाल दूंगा। ये वाली तफरी में भी आ गया कोई, वो क्रिकेट की अम्मी, ये तो पता नहीं क्या गया, ये तो पता वासिफ भाई उमैर बिन यूसुफ किस नंबर पे खेलेगा ये नहीं पता, वो खेलेगा यार चैंपियंस ट्रॉफी गले पड़ी हुई है, उमैर बिन यूसुफ परसों खेलेगा कल नहीं खेलेगा मेरा ख्याल से, कल तो संजू के लड़के खेलेंगे इधर, यानी कि सूर्या के लड़के खेलेंगे सेंचुरियन में, कल अक्षर का रोना होगा बैटिंग ट्रैक, कल ऐसा ना हो पहले ही ओवर अक्षर को दे दे सूर्या, ये भी हो सकता है, ये भी होता है भाई जिस पर इतना को पिटवा दो उसको खूब तबीयत से आ जाओ भाई, तेरे चार ओवर तो करवाए किसी तरह। श्रीवास्तव का कहना है ये कि हाइब्रिड होगा। हाँ ठीक है, अच्छा हाइब्रिड का भी ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है ऑप्शन, वो देखिए ये इवेंट है आईसीसी का, दूल्हा है आईसीसी, वो हो सकता है बारात ले गई ना है, हो सकता है वो तमाम बारातियों को लेकर आए, ये भी तो हो सकता है, अभी ये बात चल रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही, मगर आज मैंने एक ट्विटर पे एक क्लिप शेयर किया है, पाकिस्तान के फॉर्मर सीईओ जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कॉर्पोरेशन बनाया, जिनका नाम था आरिफ अली खान अब्बासी, रिलायंस वर्ल्ड कप पाकिस्तान श्रीलंका और कहां कराया था उन्होंने, अब यहां से गेम चली गई है आईसीसी के पाले में। अच्छा, आई थिंक इंडिया भी इंतजार करेगा और आईसीसी पर दबाव यह है कि पाकिस्तान क्या करना चाहता है, जैसे मैं आपका चैनल ही देख रहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान सरकार ये कह सकती है कि जी हम पूरा का पूरा पुल आउट ही कर लेते हैं, हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलना मना कर देते हैं, एक ऑप्शन क्या ये भी हो सकती है कि आप पुल आउट जब करते हैं तो क्या आप होस्ट करेंगे या सिर्फ खेलेंगे नहीं, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आईसीसी के जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उस पर भी बात आ जाती है। अब यहाँ अच्छा, विक्रांत जी एक सिनेरियो बताइए, अगर पाकिस्तान पुल आउट ना करे, अगर ये करे कि साहब हम करवा रहे हैं एज पर शेड्यूल, देखिए दुनिया के इतने ममालिक की टीम्स आई हैं और इंडिया इज मोर देन वेलकम, वी आर रेडी टू प्रोवाइड देम एनी लेवल ऑफ सिक्योरिटी, नहीं आना चाहते फाइन, माजी में एग्जांपल्स हैं कि जब टीम्स नहीं आई और उनके पॉइंट्स मिस हुए तो इंडिया विल मिस द पॉइंट्स, तो ये इसकी कितनी आपको इवेंचुअलिटी में आपको ये कितना प्रैक्टिकल नजर आता है ये होता, वसीम भाई पॉइंट्स नहीं मिस करेगा इंडिया, जो आप कह रहे हैं कि इंडिया ना आए तो इंडिया का एक मैच नहीं है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट जो है ना 1996 और 2003 वर्ल्ड कप का वो एक एक मैच था, तो यहाँ पर तो पूरा का पूरा टूर्नामेंट इंडिया नहीं जाएगा ना, पॉइंट्स की तो बात ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ये कह दे आईसीसी को कि ठीक है जी इंडिया नहीं आ रहा, हमने होनोलुलु को या श्रीलंका को या मंगोलिया किसी टीम को हम डाल देते हैं और इंडिया के बिना खेल लेते हैं, अब आप मुझे बताइए ये होगा, मैं देख रहा हूँ शोएब भी है, बेसिकली आपको मैं बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी इस बार ब्रॉडकास्टर की तरफ से इतना दबाव था कि भैया इसको T20 फॉर्मेट में करो, वो चाहते ही नहीं है 50 ओवर के, लेकिन जब ये हुआ कि रोहित शर्मा विराट कोहली की रिटायरमेंट होगी T20 में तो ब्रॉडकास्टर कहता है कि भाई हमें विराट और रोहित को तो दिखाना है, तो इसको फिर वापस 50 ओवर पे ले गए, तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या आईसीसी या चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर हो सकता है, वो तो कलैप्स हो जाएगा ना, जो आपका तंबू खड़ा है वो सारे बम्बू। साहब ये कह रहे हैं अगर पाकिस्तान ने ये पोजीशन ली तो फिर आईसीसी अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगा पीसीबी पर, के साहब ये नहीं हो सकता कि आप इंडिया के बगैर करें, चूंकि ब्रॉडकास्टर मनी मैटर्स ये होगा आपके ख्याल में फिर। वसीम भाई जब हम आईसीसी कहते हैं तो आईसीसी क्या है वो समझना जरूरी है, वो आईसीसी का बोर्ड होता है, आईसीसी एक शख्स नहीं है। की गई थी लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने क्लियरली मना कर दिया। ऑन दी अदर हैंड पीसीबी ने कहा है जी कि हम बायकॉट कर देंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन ऑल इवेंट्स ऑफ आईसीसी। आपका ओवरऑल क्या ओपिनियन है, इंडिया को ट्रैवल करना चाहिए था और अगर पीसीबी ये स्टांस ले रही है तो क्या पीसीबी इस स्टांस पर खड़ी हो सकेगी? देखिए जी ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि माइट इज राइट। ओके, हम ये ना कहें हम पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी, लेकिन मैं आपको एक बात समझाने के लिए कह रहा हूँ अपने व्यूवर्स के लिए कि जो फैक्ट्स हैं उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आईसीसी का मतलब ना इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, इंटरनेशनल नहीं है, ठीक है ना। आपको ये इल्म होना चाहिए कि जो आईसीसी का बजट है ना उसकी जो 70% प्रोडक्शन है वो भारत के थ्रू होती है, बीसीसीआई के थ्रू होती है।
तब एक घर में 100 रुपए आ रहे हैं और उसमें जो 70 रुपए एक बंदा दे रहा है तो वो अपनी मर्जी का ही खाना खाएगा ना। ठीक है तो भारत एक ना स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है आईसीसी के अंदर, उसकी बात को रद्द नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये कि जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं 10, उनमें से 9 एक तरफ और अकेला भारत एक तरफ, 9 की रेवेन्यू एक तरफ कर दे इंडिया की फिर भी उनसे ज्यादा है। ठीक है बहुत बड़ा उनका मीडिया है, बहुत बड़ा उनका रेवेन्यूज है, उनका कमर्शियल मीडिया हर चीज उनका ना उनके पास बिलियंस में है। ठीक है। अच्छा अब देखें आईसीसी जाहिर बात है स्ट्रॉन्ग है जिसने उसको रेवेन्यू देना, पाकिस्तान की तो कोई वक्त नहीं है, पाकिस्तान और पाकिस्तान की कोई ऐसी परफॉर्मेंस भी नहीं है। वो टाइम चला गया जब एक तरफ वसीम अकरम, शोएब अख्तर, वकार यूनिस होते थ्रेटन थे, अब तो पाकिस्तान में बाबर आजम के अलावा कौन सा नाम है। सीरीज जीत गया ऑस्ट्रेलिया से लदा बात है। मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ, पहली बात तो ये कि इंडिया के मीडिया की तरफ से नहीं ऑफिशियली हो चुका है, इंडिया इनकार कर चुका है और पीसीबी ने भी उनको तहरीरी तौर पर आईसीसी से कहा है कि बीसीसीआई से पूछे कि इनकी रीजन क्या है कि हमें क्यों नहीं ट्रैवल करना चाह रहे। देखें सारी दुनिया के गेम्स एक तरफ पाक भारत टाक रहे, एक तरफ नहीं होगा तो डेफिनेटली नुकसान तो है, क्रिकेट को नुकसान है, पैसा और आमदन अलग चीज है। डेफिनेटली पाकिस्तान तो इसलिए चाह रहा है ना कि उनको मैच का रेवेन्यू आए, इस एक मैच का रेवेन्यू पाकिस्तान क्रिकेट को 10-12 साल आगे ले जाएगा फाइनेंशियली तौर पे। अगर नहीं हो रहा है तो नुकसान तो है लेकिन क्रिकेट को बहुत ज्यादा नुकसान है। और दूसरी बात ये कि ये मैं अपने भारतीय जो आपके आपके चैनल की तरफ से जो हमारे भारतीय जो व्यूवर्स हैं, भारतीय जनता है, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि देखें ये नौबत आज नहीं होता था। मैं बार बार हर इंटरव्यू में यही कहता हूँ कि हमने जो गलती की वो 2023 की गलती थी, हम क्रिकेट को सियासत में बदलते हैं। उनकी गवर्नमेंट यही चाहती है कि हम लोग पता नहीं क्या क्या सिक्योरिटी इशू बना रहे हैं। यार अभी अली इंग्लैंड में आई हुई है, ऐसे बहुत सारी टीमें आई हुई है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी, बल्कि वर्ल्ड की सारी टीमें हमारे पास आ रही है। अगर सिक्योरिटी का बना बना रहे वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन मैं जहां तक अपना जो चेयरमैन को पीसीबी का जो टीम है उनको मैं गलत हुआ कसूरवार ठहराता हूं। सर देखें एक इशू यहां पे, आपको ये नहीं लगता कि हमें अपने स्टेडियम अभी तक कंप्लीट करने चाहिए थे? हमारे स्टेडियम अभी 70% कंप्लीट है, अगर हुकूमत चेंज होती है हमारे स्टेडियम भी यहीं के यहीं रह जाएंगे। बिल्कुल मौसम नकवी साहब को यही करना चाहते कि चैंपियन ट्रॉफी इसी स्टेडियम में करवाना चाहता था, इस चैंपियन ट्रॉफी के बाद इसको अपलोड करना चाहिए। 2 साल हो गए, पता है कि राइट्स हमारे पास है, या पहले करवाते या ना करवाते? या ना करवाते, बिल्कुल मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये ना करवाते थे, ठीक है, वो बेहतर फैसला था, वो बेहतर फैसला था हमारे लिए भी और बाकी टीमों के लिए भी। चले सर, अगर विराट रोहित बुमराह पाकिस्तान आते हैं तो क्या उनको एक वार्म वेलकम मिलेगा? क्या पाकिस्तानी पब्लिक उन्हें सपोर्ट करेगी? क्यों नहीं करेगी, 100% करेगी, बल्कि 100 नहीं पर 200% करेगी। देखिए लास्ट टाइम जितनी भी टूर्नामेंट जो कुछ भी हुआ है पाकिस्तान हर दफा बीसीसीआई कोऑपरेट की, हमेशा पाकिस्तान इंडिया में गया है मैच खेलने के लिए। 2023 में उससे जितना टूर्नामेंट हुआ हमेशा पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है। इस बार बीसीसीआई हमारे साथ इस तरह नहीं कर सकता, ठीक है, ये हमारा टूर्नामेंट है, हमें इस तरह पूरे पाकिस्तान की पूरी अवाम को पूरी यूथ को खुशी थी टूर्नामेंट के हवाले से, तो हमें उम्मीद है कि बीसीसीआई से ही हम रिक्वेस्ट करते हैं पाकिस्तानी शायकीन के हवाले से काइंडली हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें और अपनी इंडिया की टीम हमारे पास भेजे। और हमें बहुत खुशी है जब यहाँ पे विराट कोहली आएगा और रोहित शर्मा आएंगे कि हम बैटिंग करेंगे, हम एज ए फाइन है विराट कोहली के, मैं भी यहाँ सेंचुरी बनाया, आधा पाकिस्तान फैन है विराट कोहली का। तो लास्ट टाइम मैं सुन रहा था मीडिया पे एक हाइब्रिड मॉडल आ रहा है, दुबई में शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसको प्रोसेस चल रहा था, उसका भी इश्यू ये बन गया कि फाइनल कहाँ पे होगा। अभी सर साउथ अफ्रीका का नाम आ गया है सामने, ये हमारे फैन के लिए बहुत ज्यादा की बात होगी, बीसीसीआई को चाहिए कि इस तरह ना करे हमारे साथ, ठीक है, लाइक एज ए पाकिस्तानी शाकीन हम लोग बहुत लव करते हैं इंडियन फैन ने खिलाड़ी के साथ। पहली बात तो ये बिल्कुल फेयर डिसीजन नहीं है, क्योंकि पिछले अभी कुछ देर पहले अपना इंग्लैंड आई है खेलने, न्यूजीलैंड आई है, बांग्लादेश भी आई है, तो उनको अगर कोई मसला नहीं है तो इंडिया को क्यों मसला हो जाता है? ठीक है, ठीक है, और ये इंडिया असल में कहते हैं हावी होना चाह रहा है हमारे पे, ऐसे नहीं हो सकता। रीजन क्या लग रहा है आपको वैसे, बेसिक रीजन क्या लगे, क्या सिक्योरिटी इशू है या कुछ और इशू? कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है, हमारी आर्मी बेस्ट आर्मी है पूरी दुनिया की, अपना जो मसला है वो पीसीबी की तरफ से ही आ रहा है, उनसे डिसीजन होता नहीं, अगर हो जाता है तो वो फर्म नहीं रहते उस डिसीजन में, अगर उस डिसीजन में फर्म रहेंगे तो फिर फैसले होंगे। अगर अब देखें अगर नहीं आ रहे तो हमें फिर बैक ऑफ हो जाना चाहिए, हम फिर ये खेल ये टूर्नामेंट खेले बायकॉट कर दें, बायकॉट कर दें जो फेयर मुझे लगता है मेरे नजर में। मेरे अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच मनसूख होता है, अबंडर सन किया था आपको सब पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान इंडिया में जाके मैच खेला है, ठीक है, तो उनको भी आना चाहिए, ठीक है, लेकिन पहली बात यह है कि मैं इंडिया से बात करूंगा उनके में इतना दम ही नहीं है, वो डरते हैं, ठीक है, इंडिया वालों को इतनी सिक्योरिटी दी जा रही है, हमारे भाई हैं, ये मसला नहीं है, ठीक है, तो बात ये है उनको आना चाहिए। तो मोहसिन नकवी ने उनको सख्ती से रद्द अमल भी दिया है, देखें आगे पता नहीं क्या चलता है। मैं सुबह मीडिया पे देख रहा था, खबरें सुन रहा था
कि मोहसिन नकवी ने कहा बड़ी सख्ती के साथ अगर इंडिया नहीं ना आएगा तो ये मैच कभी भी पाकिस्तान दोबारा उनके साथ कभी नहीं खेलेगी। ठीक है, उन्होंने यही बात किया कि अगर इंडिया चैंपियन ट्रॉफी खेले पाकिस्तान नहीं आया तो हम उनके साथ कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। जी बिल्कुल ऐसे होना चाहिए अगर वो नहीं आते, क्योंकि दावत दी है पाकिस्तान गया उनके घर में जाके वो खेल के आया, बल्कि उनके घर में इंडिया में उन्होंने दावत दी थी पाकिस्तान गया उधर खेल गया, उनको भी आना चाहिए। ठीक है, इधर ऐसा कोई मसला नहीं, जब सिक्योरिटी दी जा रही है हुकूमत उनका पूरा तामन कर रही है पूरी टीम को सिक्योरिटी अच्छी तरह। देखे आप वेस्ट इंडीज के भी प्लेयर आए थे PSL इंग्लैंड आई अभी रिसेंटली, वो भी आए हैं, सारी दुनिया आ रही है। ठीक है, लेकिन वो हमसे डरते हैं, पता नहीं उनके दिल में क्या खौफ है क्या नहीं। ठीक है, लेकिन उनको आना चाहिए, तो वो तो बड़ी बड़ी बातें छोड़ते हैं। वो सनी देवल कहता है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अब आए ना, हमने कोई उनके साथ जंग थोड़ी करनी है। मैच है, क्रिकेट आप खेलें अपने घर जाएं, बात खत्म। इतने नहीं लगता सिक्योरिटी इशू है, ये सारे सियासी मसले हैं। वो सियासी मसले वो इस तरह देख लें आप के अब ये हमारा एक ही लीडर था जिनको इन्होंने पकड़ के अंदर कर दिया। मैं तो मोहसिन नकवी को नहीं समझता हूँ, कुछ भी नहीं समझता हूँ। ठीक है, आप मोहसिन नकवी की बात कर रहे हैं, वो वजीर आला भी रहा, मैं तब भी उसको कुछ नहीं समझता था। ठीक है, क्योंकि वो मैं उसके बारे में बुरा लफ्ज़ नहीं बोलूँगा क्योंकि वो सैयदजादा है। ठीक है, सैयद को कोई भी ऐसी बात जो अल्लाह नाऊज़ बिल्लाह हम ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि वो सैयदजादा है। अगर सैयद ना होता तो उसकी मैं बहन में एक करता। ठीक है, तो उसको इसी वजह से माफ़ी दे रहा हूँ। दूसरे नंबर पे ये जो नवाज शरीफ देख लें, शहबाज शरीफ अगर हुकूमत की तरफ आप आ रहे हैं, हुक्मरानों की तरफ अगर आप आ रहे हैं उनकी तरफ देख लें, इधर हमारे मुल्क में क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, एक लीडर उसको उठा के जेल में फेंक दिया है, वो अपनी आवाम के लिए उधर जल रहा है बैठ रहा है, वो कह रहा है भाई मेरा मरना जीना पाकिस्तान में, ये होता है लीडर। ठीक है, मैंने अपनी ज़िंदगी में जिस दिन का मैं पैदा हुआ हूँ मैंने अपनी ज़िंदगी में लीडर देखा है तो वैद इमरान खान देखा है। ठीक है, पाकिस्तान में रह रहा है, पाकिस्तान में मर रहा है, सब कोई नवाज शरीफ के फ्लैट हैं, वो कह रही है अब उन्होंने चार बंदे खड़े किए हैं, वो बैनर लगाया हुआ था नवाज शरीफ के, वो नारे लगा रहे थे जो उनके टट्टू पर है थे, वो कह रहे थे ये तो होगी ना सियासी बातें। आपको क्या लगता है, क्या PCB अपने मौकफ पे कायम रहेगा या हमेशा की तरह यू टर्न ले लेगा? वो यू टर्न लेंगे, नून लीग वाले हैं ना, चोर हैं, चोर कभी अपनी जुबान पे खड़ा हुआ है, चोर की कोई जुबान नहीं होती, वो यू टर्न लेगा, पैसा वो डॉलर जब नजर आएंगे वो भाग जाएगा। यानी कि हाइब्रिड मॉडल होगा। जी, अगर वो अपने कदमों पे कायम हो जाता है, खड़ा हो जाता है, अपनी जुबान पे पक्का रहता है, फिर पाकिस्तान का थोड़ा सा नाम रोशन हो जाएगा। हम इंडिया के बगैर चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर ही नहीं सकते, मजा ही नहीं आना। ये ऐसे ही उसके साथ हमारी जंग होती है ना, मैच तो उनके साथ जब भी छोटे से बच्चे से देख ले वो छुट्टी करके बैठ जाता है काम से, जिस दिन इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है ना पाकिस्तान तो बड़ी खुशी के साथ उस दिन छुट्टी करके अपने वो टीवी साहब जिनके सड़े होते हैं या खराब होते हैं वो बड़ी खुशी से दो दिन पहले जाके दुकानों पर जाके टीवी ठीक करवाते हैं। ICC को 80% जो बजट है वो BCCI देता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है BCCI का ICC मानेगा भी, वो पता नहीं। अब ये मोहसिन नकवी देख लेना, पैसों की बात है, ये बिक जाएंगे। अच्छा। इन्होंने अपनी जुबान पे नहीं कायम रहना। ठीक है, मुस्लिम लीग नून के जितने लोटे हैं सारे चोर हैं। ठीक है, इनकी कोई भी देख, मुझे एक बंदा दिखा दे, वो जा रहे हैं बेड़ियों में कश्तियों में। एशिया कप वाला, हमने कहा इंडिया की टीम को पाकिस्तान बुलाना है तो स्टेडियम तो बनाए ना। पाकिस्तान खेलने गया, कोई खतरा नहीं, कोई इशू नहीं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, फिर उनको किस चीज का डर है पाकिस्तान आते हुए? आपको क्या लगता है? वो दरअसल अपना एक लेवल बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को, वो ऐसे समझते हैं कि उनकी पाकिस्तान उनकी नजरों में कुछ नहीं है। यहाँ पे इंडियंस विजिट कर रहे हैं, लिबर्टी मार्केट में था तो हम तो ऐसे ही समझते हैं जैसे हमारे अपने लोग हैं। हाँ, तो उन्हें सिक्योरिटी इश्यूज होने नहीं चाहिए। उनके पास बहुत बड़े बड़े बॉलर है, उनके पास बहुत बड़े बड़े बैट्समैन है। रोहित शर्मा का कोई मुकाबला कर सकता है पाकिस्तान में? नहीं। विराट कोहली का कोई मुकाबला कर सकता है पाकिस्तान में? एक वक्त है जब बाबर के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन वो वक्त गुजर गया है, अब वो वक्त नहीं है। अब इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ठीक है, पाकिस्तान भी अड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि या तो पाकिस्तान आए नहीं तो आज के बाद हम इंडिया के साथ कोई मैच नहीं खेलेंगे। इवन रिटन स्टेटमेंट पाकिस्तान ने ICC को भिजवा दिया। क्या कहते हैं कि इंडिया का स्टांस ठीक है या कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो क्रिकेट के अंदर है ये नहीं होनी चाहिए? सर देखें, पॉलिटिकल जो है ये होनी नहीं चाहिए। और जब आप बात करें इंडिया की तो एशिया कप में भी इन्होंने ऐसे ही किया था। और पाकिस्तान जब भी कुछ होस्ट करने लगता है इवेंट तो इनके ऐसे मसाइल आना शुरू, जब बाकी टीमों को मसला नहीं है पाकिस्तान आने में तो इन्हें ये क्या नवाबों के बच्चे हैं? आप देखें, आप पॉलिटिक्स को इसमें शामिल ना करें, एक स्पोर्ट्स है, लोगों का आपसे प्यार है। हाँ, आपको अगर कोई इश्यूज होते हैं, आपको जब हम गारंटी दे रहे हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी गारंटीज, आपको पता है पाकिस्तान की सिक्योरिटी सबसे स्ट्रॉन्ग है। जैसे दुबई में उन्होंने न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी दी थी, न्यूजीलैंड ने भी यही कहा था कि मैं पाकिस्तान में नहीं खेलने आऊंगी, तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी सबसे टाइट है। और उन्होंने इनके पास काफी ढेरों सारे ऑप्शंस भी रखे हैं, हमने इतना खर्चा कर दिया, हाइब्रिड मॉडल भी उन्होंने बताया। और इन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी का ये जो अभी फैसला है,
आप देखें इंडिया ने कहा कि मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा, तो मोहसिन नकवी ने कहा कि ठीक है आप ना आए, नेक्स्ट हम भी नहीं जाएंगे। उनका 2026 में वो आ रहा है, T20 वो होस्ट करेंगे, वर्ल्ड कप है, तो चैंपियनशिप ट्रॉफी से वर्ल्ड कप ज्यादा अहम है, तो देखें हाँ बड़ा इवेंट है। आप देखें अगर ये फैसला होता है इंडिया नहीं पाकिस्तान आता तो हम इस फैसले पे टिके हैं, और आप मोहसिन नकवी को जानते हैं कि वो जब बात करते हैं तो वो हाँ अभी तक तो टिका हुआ और इंशाल्लाह टिका भी रहेगा, और एक स्ट्रॉन्ग साइड अभी भी पाकिस्तान ने अच्छा जवाब दिया, जैसा जैसा मुंह वैसी चपेट उन्होंने भी मारी है, हर बार ये नहीं होता, पिछली दफा हम कह गए चलो ठीक है, और आप देखें इंडियन ऑडियंस हम तो प्यार देते हैं उन्हें, इंडियन ऑडियंस जब आप पिछला मैच हमने खेला उनके साथ तो क्या उनकी क्या रद्द अमल था, क्या रिएक्शन आ रहा था उनका, और प्लेयर्स जो थे वो उस वक्त हरी जर्सी भी नहीं थी, वो तो उन्होंने इजाजत ही नहीं दी किसी को, हम इजाजत दे रहे हैं, हम कह रहे हैं आप पाकिस्तान में आए, हम आपके ऑडियंस को भी प्यार देंगे, और उनके प्लेयर्स भी जानते हैं, वहाँ के लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तानी आवाम कैसी है, ये नहीं अभी मैं आपको खुद बताऊँ तो मुझे इस चीज पे बड़ा गुस्सा है कि वो हाल होगा चैंपियन ट्रॉफी ऐसे ही बुरा हाल होगा जी, क्रिकेट हमारे है पहले कौन सा हाल है, पहले कोई हाल है, उधर मैच हुए हैं, वनडे हुए हैं, जितने भी सीरियस मैच हुए हैं, आप मुझे वो टूर्नामेंट हुआ है वर्ल्ड कप उसमें मुझे दिखा दो, कोई भी नहीं है, बस पैसा वो प्लेयरों से लेके ऊपर तक जितने हैं सारे लुटेरे चोर बैठे हुए हैं। इंडिया वाले क्यों नहीं आ रहे, इसकी वजह ये है कि हमारे पाकिस्तान में स्क्वालिटी नहीं है। अच्छा। स्क्वालिटी के अलावा हमारे पाकिस्तान में अच्छी पिच नहीं है, अच्छी वार्म नहीं है, क्यों हमारी वार्म उनको तावन नहीं करती, क्यों तावन क्यों नहीं करती, क्योंकि हमारी वार्म पागल हुई है, यहाँ आटा घी चीनी हर चीज महंगी है। नहीं मैं ये भी बात करूंगा, मैं वीडियो बंद ना करना, आपने क्रिकेट का सवाल किया ना, मैं भी करूंगा, पाकिस्तान में सबसे पहले घी था 400 रुपए किलो, अच्छा। अब हो गया 600 रुपए किलो, पेट्रोल पीछे से सऊदी अरब ने 30 रुपए कम किया है, यहाँ इन्होंने जो हमारे नून लीग के सरबरा है वजीरे आला मरियम नवाज शरीफ, जो इसने स्पेशल जांच करा के अमरीका गई है अपना इलाज करवाने के लिए, क्यों गला खराब है, लंदन गई है, दो गोलियां ले पैराडोन की इधर से इलाज हो जाता है, उसने स्पेशल हमारी इस घी का इस पेट्रोल का क्रिकेट से क्या ताल्लुक वास्ता, इसका ताल्लुक यह है कि हमारे पाकिस्तान में वो कोई भी नहीं है, क्यों वो हम नहीं देख रही, इधर पाकिस्तान को खुद नहीं कोई समझ सकता, क्योंकि हम ये तो आपकी समझ नहीं आ रही, मेरी समझ क्यों नहीं आ रही, यहाँ आटा महंगा चीनी महंगी है, यहाँ छक्का बजता है चौका बजता है कोहली आउट होता है, मैं क्या करूँ कहाँ जाऊँ, जो पाकिस्तान हमारा बुलंद है, हमारे खून पर जीने से जो पाकिस्तान चल रहा है, हमारी कल से हर चीज टैक्स जा रहा है, किस भी का टैक्स जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, हमें वो उसके पीछे मरियम नवाज शरीफ के पीछे 100-100 गाड़ियाँ निकलती है, हमारे पीछे कोई आने जाने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, क्यों हम पाकिस्तान की वाम में एशिया कप हो ट्रॉफी हो अंकार ही करती है, क्योंकि वो पाकिस्तान में अच्छा नहीं समझते, क्योंकि उनका इधर आना ना मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान है जो हर मुल्क में जाके खेलता है, इंडिया को भी चाहिए इधर आना खेला, मैंने इंडिया के लिए एक शेर बोला है और एक शेर कहना चाहता हूँ, पहली गल तेन दिल ना दें दे। जे दिल दिता सी ते ढिल ना देंदे, कसम खुदा दी तेरी थां कोई होर हुंदा छिल ना देंदे, इसलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान जो है आजाद मुल्क है, ये हर मुल्क मैं ये आपको कहता हूं, इंडिया में कराएं चैंपियन ट्रॉफी, पाकिस्तान उधर जाके चैंपियन ट्रॉफी टूट जाएगी और इंशाल्लाह टूट जाएगी और कप लाके हमारे पाकिस्तान का। लोगों में इस चीज का गम गुस्सा है कि हम हर बार इंडिया जाते हैं, 2011 के वर्ल्ड कप में गए, 16 में गए, 23 में गए, और जब हमारी बारी है पूरा हमने अपने ग्राउंड्स वगैरह सारे रेनोवेट कर लिए, और इंडिया ने ऐन मौके पे कि जब 100 दिन रह गए थे तो तब जाके आईसीसी को कहा है कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे बगैर किसी वजह के बताए हुए, नहीं नहीं तो फिलहाल तो वजह दी गई है, वजह दी गई है, वजह तो शायद पीसीसी आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी भेजी गई होगी, वजह तो यही दी गई है, सुरक्षा का हवाला दिया गया है और साफ तौर पर बीसीसीआई की तरफ से ये कहा गया है, सुन लीजिए एक सेकंड जी, क्या वजह दी गई है, बीसीसीआई की तरफ से ये कहा गया है कि भाई सुरक्षा की दृष्टि से हम अपने क्रिकेटर्स को पाकिस्तान नहीं भेज सकते। देखिए आप अपने आप को इन्फॉर्म कर लीजिए, ऐसी कोई बात बीसीसीआई ने आईसीसी को नहीं बताई, बल्कि वो तो कोई ईमेल भी नहीं की, जुबानी कलामी बताया कि फोन शोन करके कि नहीं जी हम नहीं आ रहे, पीसीबी ने तो आज यही तो लेटर लिखा है आईसीसी को कि आप पूछिए बीसीसीआई से कि वजह क्या है, क्यों नहीं पाकिस्तान आना चाहता इंडिया,
उसकी वजह लिख के बताइए, पूछ के हमें बता दीजिए कि क्या वजह है। अगर बताई होती तो फिर लेटर में वो ये तो ना लिखते कि आप वजह बताइए कि हमें क्यों नहीं आ रहे, फिर तो आगे बात बढ़ती, फिर तो नेक्स्ट लेवल पे बात बढ़ती ना कि ठीक है उन्होंने वजह बताई है तो उसका जवाब दिया जाता। तो पीसीबी ने भी कुछ ऐसा जवाब नहीं दिया, सिर्फ ये कहा है कि आप पूछ के बताइए। ठीक है, मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ, बीसीसीआई की तरफ से आईसीसी को वजह बताई गई है, सुरक्षा की दृष्टि से हम अपने क्रिकेटर्स को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, ये कहा गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड रिजवान हैदर जी, आपने अपनी बात, आपकी बात मैंने सुन ली ना, आपने कहा कि कोई वजह नहीं बताई गई। हमारे साथ हमारे एडिटर स्पोर्ट्स जुड़ गए हैं।